नाग पूजा भाग एक। प्रातःकाल था, आषाढ़ का पहला दौंगड़ा निकल गया था। कीट पतंग चारों तरफ रेंगते दिखाई देते थे। तिलोत्तमा ने वाटिका की ओर देखा तो वृक्ष और पौधे ऐसे निखर आए थे जैसे साबुन से मैले कपड़े निखर जाते हैं। उन पर एक विचित्र आध्यात्मिक शोभा छाई हुई थी, मानो योगीवर आनंद में मग्न पड़े हों। चिड़ियों में असाधारण चंचलता थी, डाल डाल पात पात चहकती फिरती थी। तिलोत्तमा बाग में निकल आई, वो भी इन्हीं पक्षियों की भांति चंचल हो गई थी। कभी किसी पौधे को देखती, कभी किसी फूल पर पड़ी हुई जल की बूंदों को हिलाकर अपने मुख पर उनके शीतल छींटे डालती। लार बीर बहुटिया रेंग रही थी, वो उन्हें चुनकर हथेली पर रखने लगी। सहसा उसे एक काला वृहत का सांप रेंगता दिखाई दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अम्मा नाग जी जा रहे हैं, लाओ थोड़ा सा दूध उनके लिए कटोरे में रख दूँ। अम्मा ने कहा, जाने दो बेटी, हवा खाने निकले होंगे। तिलोत्तमा, गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते। माँ, कहीं जाते नहीं बेटी, अपनी बांबी में पड़े रहते हैं। तिलोत्तमा, और कहीं नहीं जाते। माँ, बेटी हमारे देवता हैं, और कहीं क्यों जाएंगे। तुम्हारे जन्म के साल से ये बराबर यहीं दिखाई देते हैं, किसी से नहीं बोलते। बच्चा पास से निकल जाए पर जरा भी नहीं ताकते, आज तक कोई चूहिया भी नहीं पकड़ी। तिलोत्तमा, तो खाते क्या होंगे। माँ, बेटी ये लोग हवा पे रहते हैं, इसी से इनकी आत्मा दिव्य हो जाती है। अपने पूर्व जन्म की बातें इन्हें याद रहती हैं, आने वाली बातों को भी जानते हैं। कोई बड़ा योगी जब अहंकार करने लगता है तो उसे दंड स्वरूप इस योनि में जन्म लेना पड़ता है। जब तक प्रायश्चित पूरा नहीं होता तब तक वो इस योनि में रहता है। कोई कोई तो 100-100, 200-200 वर्ष तक जीते रहते हैं। तिलोत्तमा, इनकी पूजा न करो तो क्या करेंगे। माँ, बेटी कैसे बच्चों जैसी बातें करती हो, नाराज हो जाए तो सिर पर न जाने क्या विपत्ति आ पड़े। तेरे जन्म के साल पहले पहल दिखाई दिए थे, तब से साल में 10-5 बार दर्शन अवश्य दे जाते हैं। उनका ऐसा प्रभाव है कि आज तक किसी के सिर में दर्द तक नहीं हुआ। कई वर्ष हो गए, तिलोत्तमा बालिका से युवती हुई, विवाह का शुभ अवसर आ पहुंचा, बारात आई, विवाह हुआ, तिलोत्तमा के पतिगृह जाने का मुहूर्त आ पहुंचा, नई वधू का श्रृंगार हो रहा था। भीतर बाहर हलचल मची हुई थी, ऐसा जान पड़ता था भगदड़ पड़ी हुई हो। तिलोत्तमा के हृदय में वियोग दुख की तरंगे उठ रही थी, वो एकांत में बैठकर रोना चाहती थी। फिर मालूम नहीं कब मिलने का संयोग हो, न जाने अब कैसे आदमियों से पाला पड़ेगा, न जाने उनका स्वभाव कैसा होगा, न जाने कैसा बर्ताव करेंगे। अम्मा की आंखें एक क्षण भी न थमेगी। मैं एक दिन के लिए कहीं चले जाती थी तो वे रो रो कर व्यथित हो जाती थी, अब ये जीवन पर्यंत का वियोग कैसे सहेंगी। उनके सिर में दर्द होता था, जब तक मैं धीरे धीरे न मलूं उन्हें किसी तरह कल चैन ही न पड़ती थी। बाबूजी को पान बनाकर कौन देगा, मैं जब तक उनका भोजन ना बनाऊं उन्हें कोई चीज़ रुचती ही न थी, अब उनका भोजन कौन बनाएगा, मुझसे इनको देखे बिना कैसे रहा जाएगा। यहाँ ज़रा सिर में दर्द भी होता था तो अम्मा और बाबूजी घबरा जाते थे, तुरंत वैद्य हकीम आ जाते थे। वहाँ न जाने क्या हाल होगा, भगवान बंद घर में कैसे रहा जाएगा, न जाने वहाँ खुली छत है या नहीं, होगी भी तो मुझे कौन सोने देगा। भीतर घुट घुट कर मरूंगी, जगने में ज़रा देर हो जाएगी तो ताने मिलेंगे। यहाँ सुबह को कोई जगाता था तो अम्मा कहती थी, सोने दो, कच्ची नींद जाग जाएगी तो सिर में पीड़ा होने लगेगी, वहाँ व्यंग सुनने पड़ेंगे, बहू आलसी है, दिन भर खाट पर पड़ी रहती है, वे तो बहुत सुशील मालूम होते हैं। हाँ, कुछ अभिमान अवश्य है, कहीं उनका स्वभाव निष्ठुर हुआ तो। सहसा उसकी माता ने आकर कहा, बेटी तुमसे एक बात कहने की याद न रही, वहाँ नाग पूजा अवश्य करती रहना, घर के और लोग चाहे मना करें पर तुम अवश्य इसे अपना कर्तव्य समझना। अभी मेरी आंखें जरा जरा झपक गई थी, नाग बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए। तिलोत्तमा, अम्मा मुझे भी उनके दर्शन हुए हैं, पर मुझे तो उन्होंने बड़ा विकाल रूप दिखाया, बड़ा भयंकर स्वप्न था। माँ, देखना तुम्हारे घर में कोई सांप न मारने पाए, ये मंत्र नित्य पास रखना। तिलोत्तमा अभी कुछ जवाब न देने पाई थी कि अचानक बारात की ओर से रोने के शब्द सुनाई दिए। एक क्षण में हाहाकार मच गया, भयंकर शोक घटना हो गई, वर को सांप ने काट लिया।
वो बहू को विदा कराने आ रहा था। पालकी में मनसद के नीचे एक काला सांप छिपा हुआ था। वह जो ही पालकी में बैठा, सांप ने काट लिया। शेष अगले भाग में।